अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं चटपटी भिंडी, बहुत सी स्वादिष्ट और बहुत लजीज भिंडी का पूरी। चलिए शुरू करते हैं। भिंडी को तीन पानी से धो के अच्छा देखे कपड़े से पोंछ के रख लिए हैं। आप भिंडी को काट लेंगे इस तरह से, इसके एज काट लेना, काट के इसे है ना इस तरह से चाइनीज कट काट लेना। गोल भी काट सकती हैं, चाइनीज कट काटने से थोड़ा टेस्ट भी अच्छा लगता है और है ना मतलब ये खूबसूरती भी अच्छी लगती है भिंडी की, तो इसलिए इस तरह से काट लेना। देखे ऐसा, देखा कैसा अच्छा लग रहा है, नहीं गोल भी काट सकती हैं इस तरह से। सारी भिंडियां काट लेना, एक पौ किलो भिंडी का परील है। पैन गरम हो गया है, इसमें ऑयल डालेंगे 100 ml ऑयल। ऑयल गरम हो गया है, अब राई डालेंगे। पौ किलो भिंडी को आधा स्पून राई, राई को अच्छे से चिटकने तक इसको फ्राई कर लेना, मतलब राई अच्छे से चिटक जाना। राई अच्छे से चिटक गई, अब इसमें प्याज डालेंगे। प्याज यू नो ये साइज की प्याज, ये बारीक चॉप करके रख लिए हैं, आगे भी डालेंगे। प्याज के साथ ही कड़ी पत्ता भी डालेंगे। कड़ी पत्ता डालकर दोनों को मिक्स करके फ्राई कर लेना। प्याज का कच्चा पन जाने तक इसको फ्राई कर लेना प्याज को। भिंडी बनाने का सिंपल तरीका है, बहुत टेस्टी रहती है, बहुत खुशबूदार रहती है भिंडी। प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है, प्याज का कच्चापन चले गया है। अब इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे, लहसुन का पेस्ट 1 स्पून। लहसुन की खुशबू आ गई है, अब टमाटर डालेंगे। टमाटर आधा है, चॉप करके बारीक टमाटर डाल लेना। ऑप्शनल है, टमाटर भी डाल भी सकती, स्किप भी कर सकती। टमाटर को 2 सेकेंड के लिए अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब मिर्ची पाउडर भी डालेंगे, मिर्ची पाउडर आधा स्पून। मिर्ची पाउडर आपके हिसाब से कम या ज्यादा कर सकती। ये 1 स्पून हल्दी पाउडर डालकर ये सब चीजों को मिक्स कर लेना। इसके साथ ही साल्ट भी डालना, साल्ट भी अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर ले सकती। नारियल 2 पीस, देखा इस तरह से दरदरा मार के डाल लेना। नारियल डाल के थोड़ा अच्छे से इसको फ्राई कर लेना, इसमें खुशबू आने तक। नारियल डालने से भिंडी का खुशबू, भिंडी में खुशबू बहुत अच्छी आती है। नारियल डालकर अच्छे से खुशबू आ गई है, अच्छे से नारियल को भून लिए ही, और इसमें भिंडी भी डालेंगे। डालकर मिक्स कर लेना भिंडी को। भिंडी अच्छे से मिक्स कर लिए ही, अब 5 मिनट तक लिड बंद करके सिम में लो फ्लेम में दम में छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद फिर मिलेंगे। भिंडी को दम में छोड़कर 5 मिनट हो गए ही, अब थोड़ा चम्मच दे लेंगे, चेक कर लेंगे। चेक करके थोड़ा चम्मच देके इसको और 5 मिनट तक उसको ऐसा उलट पलट करके और 5 मिनट तक लिड बंद करके दम में छोड़ेंगे। मिनट हो गए ही, अब लिड खोल करके अब इसमें धनिया डाल देंगे। ऐसा डालकर इसको भी मिक्स कर लेना। लास्ट में डालना धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालकर लिड बंद करके इसको 2 सेकेंड के लिए दम में छोड़ देना। धनिया पत्ता डालकर 2 सेकेंड हो गए ही, अब लिड खोल करके चेक कर लेंगे। देख सकती भिंडी में ऑयल छूट रहा है, भिंडी अच्छे से पक गई है और इसमें से खुशबू भी अच्छी से आ रही है। आप भी बनाकर ट्राई करना है, भिंडी बहुत मजेदार की है ये। अब डिश आउट कर लेंगे।
चटपटी भिंडी और बहुत ही लजीज मजेदार बनकर बहुत जल्दी बनने वाली डिशे बनकर रेडी हो चुकी है। आप भी बनाकर ट्राई कीजिए। ये रोटी के साथ चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। आप भी बनाकर ट्राई कीजिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।